एवरी वन sapiens एक्सपीरियंस के साथ दिस इज़ बी उर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस एक्सट्राविगेंट एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू विटनेस राइट नाउ क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि काफ़ी अवार्ड जीते हुए हैं पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो द इंडस्ट्री इज़ इवॉलविंग ओवर टाइम और इस एवॉलमेंट के जो असल पाइनियर्यर्यस हैं वो पाकिस्तान इंडस्ट्री के वो मॉडल्स हैं जिन्होंने आज इस इंडस्ट्री को वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ पर यह इंडस्ट्री आज है हेलो शहजाद हाउ आर यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच उजैर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो में थैंक यू सो मच शहजाद फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड अच्छा uh, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो uh, अक्सर उन्होंने सोशल मीडिया पे या जितने भी आपके फैशन शोज होंगे उसमें देखा होगा कि आपके जो फैंस होते हैं या जो आपके एक चीयर लीडिंग ग्रुप होता है उसमें मैं और कुछ ऐसे दोस्त आपके होते हैं जो कि वहाँ मौजूद होते हैं और आपके हर परफॉर्मेंस को अपलॉट भी कर रहे होते हैं एंड अक्सर हम डिस्कस जैसे कि आप काफ़ी शोज़ में आ चुके हैं इवन के मेरे ख्याल से दो तीन शूट्स भी आप मेरे साथ कर ही चुके हैं तो एक्सपीरियंस भी है आपको और दूसरी बात ये कि फैशन इंडस्ट्री जितना हम लोग देखें तो वो माशाल्लाह ग्रो कर ही जा रही है जैसे कि पहले तो फैशन के लोग बिल्कुल मुख्तलिफ थे लेकिन अब नॉर्मल लोग भी आ रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे आप ऐसे लोग हैं जैसे कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो भी शूट्स वगैरह कर चुके हैं आप ख़ुद को देख लें आप भी काफ़ी शूट्स वगैरह करते हैं और अभी चेंज होता चला जा रहा है बहुत सारे मॉडल्स जो है वो एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं एक्टिंग भी हो रही है मॉडलिंग भी हो रही है फ़ैशन भी हो रही है क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ैशन इंडस्ट्री को जानते हैं लेकिन फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिस तरह के हम लोग आ, फ़ैशन शोज़ अलग होते हैं ब्रांड शूट अलग होते हैं और जितनी हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री है वो रैंप वगैरह जो हो रही होती है काफ़ी शोज़ वगैरह भी आप देख चुके हैं हमारे तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहें अच्छा शहजाद हम थोड़ा सा इसमें भी आएंगे किस तरह डिफरेंट मॉडल्स ने करियर स्विच किया और किस तरह डिफरेंट एक्टर्स ने भी करियर स्विच करके मॉडलिंग की तरफ आएँ बट थोड़ा सा अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें थोड़ा सा इससे स्टार्ट करते हैं कि हाउ एंड वेन वेन शहजाद नूर एक्चुअली रियलाइज के अब जो है मुझे मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहिए इज़ इट बिकॉज ऑफ समट के शहजाद आपका फेस कट बिल्कुल मॉडल जैसा है लेट्स डू इट ये करना चाहिए बहुत तो बताएं बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मेल मॉडल्स के साथ इस तरह हुआ है कि उनको घर वालों ने कह दिया है उनकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया है उनके दोस्तों ने कह दिया है कि यार आपकी जो लुक है वो मॉडल्स की तरह लगती है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है मेरा एक दोस्त था उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इस फील्ड में तो मैं उनको ले लेके घूमता था तो बोर होता हुआ मैंने कहा चलो मैं भी एक ऑडिशन दे दूँ जब मैंने ऑडिशन दिया तो मैं सिलेक्ट हुआ मैंने एक शो किया फिर उसके बाद एक कराची में फ़ैशन शो हो रहा था वहाँ पर एक बड़े डिज़ाइनर मिले उनके साथ फिर मैंने शो किया तो फिर वहाँ से फिर शूट का सिलसिला शुरू होता गया अच्छा शहजाद हमने देखा है कि मॉडलिंग की जो फील्ड है इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है वी हैव सीन अ लॉट ऑफ मॉडल्स इवन आपने भी देखा होगा कि जो आपके साथ या आपसे पहले जिन्होंने करियर स्टार्ट किया या हो सकता है आपके बाद भी जिन्होंने करियर स्टार्ट किया वो इतना लास्ट नहीं कर पाते या कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या सम हाउ उनको अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं मिलती तो उसके पीछे कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा मैं समझता हूँ जैर कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मॉडलिंग इज़ अ पार्ट टाइम जॉब जॉबली ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि मॉडलिंग के लिए आपको ख़ुद को फिट रखना होता है आपने बहुत सारी चीज़ें इस तरह करनी होती हैं वर्कआउट करना होता है ख़ुद को एक उस ब्रांड के लिए आपको खुद के लिए परफेक्ट करना होता है कि वो ब्रांड अगर आपको कपड़े पहना रहा है तो उस वो कपड़े अच्छे लगें तो अब अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं सुबह से लेके आठ बजे से लेके कर छः बजे तक जॉब करूं उसके बाद मैं जो कोई मॉडलिंग के लिए ऑफ़र हो तो मैं वो करूं तो इस तरह की चीज़ नहीं है इसके लिए आपको ऑल द टाइम वर्कआउट डाइट प्लान अपने आप को फिट रखना है मतलब सिंपल के यार आपको ख़ुद का ख्याल रखना है कि आप लोगों के कपड़े पहनने के बाद अच्छे नज़र आ रहे हो क्योंकि जब आप अच्छे नज़र आ रहे होते हैं तो लोगों के कपड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं जितने भी ब्रांड्स जो हम लोगों से शूट्स वगैरह करवाते हैं अच्छा ब्रांड्स की जहाँ तक आपने बात की तो ज़रा मल्टीपल ब्रांड्स इन पाकिस्तान एंड इनफैक्ट जब आपने मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इतने ब्रांड्स नहीं थे जितने अब ब्रांड्स आ गए हैं एंड हर ब्रांड की ये ख्वाहिश होती है या वो चाहते हैं कि उनको बड़े से बड़ा मॉडल या रिकग्निशन उनके ब्रांड को मिले इस वजह से वो आप जैसे मॉडल्स या आपके जो फेलो कलीग्स हैं उनको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो उनका ब्रांड रिप्रजेंट करें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ब्रांड्स बड़े हैं या पाकिस्तान के हालात देख के अक्सर हम सुनते हैं कि कंपनीज बंद हो रही हैं इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो कम अच्छा वैसे फैशन इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मॉडलिंग तो तब तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे तो मैंने उनके साथ काम किया अब इस तरह है ना कि यार अब मिसाल के तौर पर मैं एक मॉडल हूँ तो मेरे पास इसी फैशन इंडस्ट्री में से कुछ वेज निकल रहे होते हैं कि यार अब मैंने आगे क्या करना है या तो मैं फिर अपना ब्रांड लॉन्च करूं या तो फिर मैं एक्टिंग में चला जाऊं तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो कि डिज़ाइनिंग के साथ साथ उन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च कर लिया और मॉडल्स भी इस तरह के हैं जिन्होंने अपना फैब्रिक निकाल लिया है किसी आ, बड़े आ, स्टोर के साथ वो कॉलेब्रेशन करके उन्होंने जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो आगे लेकर चले तो इस वजह से आ, जितने भी फैशन इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके जो वेज निकल रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि यार चलो अब मॉडलिंग कर ली डिज़ाइनिंग कर ली तो एक ब्रांड लॉन्च करते हैं जो कि मासेस के लिए हो जो कि आम लोगों के लिए हो कुर्ता शलवार जो कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहना जाता है अगर क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार यहाँ तो कराची लाहौर इस्लामाबाद में तो अक्सर लोग जीन्स पहन रहे होते हैं टी शर्ट्स पहन रहे होते हैं और मेरे ख़्याल से क्योंकि हमारा इंटीरियर जितना है मतलब हमारा पंजाब सिंध और के पी के का जो बलूचिस्तान का जो इंटीरियर है क्योंकि हमारे जो विलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ना कि हमारे सिटीज़ तो बहुत कम है तो जितने भी हमारा गांव देहात साइड है वो सब कमीज़ शलवार पहनते हैं तो इस वजह से जो तो हमारी कमी शलवार की जो इंडस्ट्री है कुर्ता पजामा कमीज़ शलवार वेस्कोट वगैरह तो ये काफ़ी बड़ी है शहजाज फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज़ हमने एक चीज़ नोटिस की कि यू हैव बीन क्वाइट बिजी शूटिंग ड्रामाज एंड जैसे हम स्टार्टिंग में मैंशन कर रहे थे कि अक्सर जो है बल्कि हमने आपस में भी कई दफ़ा इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि मैनी इंडिविजुल जो कि मॉडलिंग में थे वो अब एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं सो इज़ इट बिकॉज ऑफ द सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग जो मॉडलिंग फटर्निटी है उसके अंदर आप उसको फॉलो कर रहे हैं या यू रियलाइज के अब मुझे जो है एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहिए जैर अगर uh, मेरी बात की जाए तो क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आ, एक आ, मेल मॉडल को जब वो अवार्ड्स भी सारे ले लिए हैं मैगजीन शोज भी सारे कर लिए या यू हैव द पीक ऑफ दैट मतलब मैं yeah. अब मुझे लग रहा था कि यार इसके बाद मैं क्या करूं तो मेरे ख्याल से मेरे पास एक ही फील्ड बचती थी वो थी एक्टिंग और एक्टिंग के लिए हमारे यहाँ पर कोई एकेडमी तो है नहीं कि जहाँ पर आप जाकर एक प्रॉपर एक्टर बनकर आ जाएं जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर भी हैं एक दो जगहें इस तरह की हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसके लिए टाइम निकालना में सारी चीज़ें करना लेकिन जब आपने ये काम करना ही है तो मैंने सोचा क्यों ना इस जॉब में रह कर इसको सीखा जाए तो मैं वही कर रहा हूँ इस जॉब में रह कर इसको सीख रहा हूँ एक्टिंग कर रहा हूँ मैं तो शहजाद हैव यू ट्राइड डूइंग थिएटर्स एज वेल क्योंकि अक्सर हमने देखा है खासतौर तो से जो पाकिस्तानी आ, कुछ जो एक्टर्स हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा जिनको पसंद किया जा रहा है दे आर मोर थिएट्रिकल थिएटर एक्टर्स तो थिएटर एक्टिंग की तरफ आपका कभी रुझान हुआ या किसी ने आपको कहा कि शहजाद एक दफ़ा थिएटर की ट्रेनिंग भी कर लेनी चाहिए यू थिंक इट्स अ टी जॉब और मॉडलिंग uh, के साथ मुश्किल हो सकती है वो uh, नहीं मैंने सोचा था कि मैं uh, कुछ इस तरह का करूँ मतलब कुछ सीखूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जब आप थिएटर एक्टिंग में भी और टीवी एक्टिंग में भी काफ़ी फ़र्क है क्योंकि जब थिएटर एक्टर भी होता है वो टीवी एक्टिंग के लिए उसको भी ख़ुद को चेंज करना ही होता है तो जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है टी पर तो आप उसके अवेल करें आप उसमें ही रह सीखें शिजाद हमारी जो society, सोसाइटी है वो पेट्रियॉर्कल सोसाइटी है जिसमें जो है मेन डोमिनेंसी बहुत है एंड अक्सर अगर हम बात करें मॉडलिंग एंड एक्टिंग फील्ड की इसके अंदर जब हम देखते हैं कि जब यंगस्टर्स आ रहे होते हैं इवन टीन आ रहे होते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट कर रही होती है और प्रेशर बहुत होता है सो डू यू थिंक ये इस प्रेशर को मेंटेन करते हुए लोग आराम से मॉडलिंग में आ सकते हैं या पहले उनको अपने घर वालों को कन्वेंस करना चाहिए इस फील्ड में आने से पहले या आपकी क्या अप्रोच थी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जो लोग हमें देखें देखिए उजैर मैंने जब इस फील्ड में जब मैं आना चाह रहा था तो Uh, मेरी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे क्योंकि मैं पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और पठान कल्चर के बारे में अगर आपको पता हो तो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं तो मुझे भी काफ़ी मना किया कि ना करो शुरू के एक दो साल क्योंकि जब हमारी फैमिली तो अम्मी अबू तो ख़ास तौर पर काफ़ी अगेंस्ट थे कि मतलब ये क्या कर रहे हो बिज़नेस कर लो कोई अपना काम कर लो तो मैंने भी सोचा कि चलो इनको क्या पता चलेगा आ, आ, सोशल मीडिया तो ये लोग यूज़ भी नहीं करते हैं तो मैगजीन वगैरह तो देखते भी नहीं हैं और अगर कभी मुझे बिल बोर्ड पर देखेंगे तो कभी पहचानेंगे भी नहीं लेकिन कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने बता दिया था उनको फिर वो काफ़ी एक बातचीत हुई फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अच्छा कोई सीन क्रिएट हुआ है हाँ हाँ मतलब उन्होंने मुझसे कहा है कि मतलब ये क्यों हो रहा है कि मतलब अगैर मैंने कहा चलो वो एक मीडिया की फील्ड से हूँ तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो इस तरह का एक कमर्शल uh, हो गया एक इस तरह की शूट हो गई तो इसकी वजह से बिल लग गए तो ये uh, पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं अजय शहजाद आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं और ऑलमोस्ट वी नेम इट यू हैव इट वाली सिचुएशन है आपके साथ तो व्हाट वाज दैट मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए या जो अवार्ड आपने एक uh, एक uh, करियर पाथ के लिए आपने सोचा हुआ था कि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई वांट टू अचीव वो कौन सा मोमेंट तो एक स्टोरी ये है कि मतलब uh, क्योंकि मेरी पूरी पूरे ख़ानदान में से पूरा हमारा फैमिली बैकग्राउंड किसी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड का तो अक्सर मैं अवार्ड शोज़ वगैरह देख रहा होता था भाई के साथ और घर वालों के साथ तो मुझे कभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन मैं भी अवार्ड शोज़ में बैठूँगा और मुझे अवार्ड मिलेगा ये तो दूर की बात है तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं उसी अवार्ड शो में बैठ कर वही एक मेमोरी जो है ना मेरे जहन में आ रही थी कि यार एक टाइम में आप इसको टी वी पर देख रहे होते थे और अब जो है ना ये आपके सामने हो रहा है तो और उसी में फिर आपको अवार्ड भी मिल रहा है तो ये एक शहजाद कभी ऐसा हुआ है कि जब आप अवार्ड रिसीव करने जा रहे हो एंड आप टोटली नम हो गए हो या तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना है तो नर्वसनेस तो नहीं कहेंगे लेकिन एक वो सर्टेन मोमेंट जिसमें आपका एक साथ नाम कॉल आउट हो गया बिल्कुल, है, बिल्कुल इस तरह ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू अवार्ड में सिर्फ आप अकेले नहीं होते आपके साथ नॉमिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं मतलब पाँच छः लोग होते हैं आपके साथ तो अचानक से कभी कभी आपको यकीन भी नहीं होता कि मतलब ये अवार्ड आपको मिलेगा और वो एकदम से जब आपका नाम अनाउंस होता है तो फिर आप एकदम आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है आप कहते हो कि यार ये क्या हुआ है तो फिर उस चीज़ में इस तरह की चीज़ें होती हैं फिर आप ख़ुद को सेटल करते हो फिर कहते हो कि अच्छा फाइनली आई वन दी अवार्ड तो फिर आप जाके कुछ कहते हो थैंक यू करते हो सबको तो इस तरह की चीज़ें होती हैं शहजाद अवॉर्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी अक्सर लोगों के जहन में आता होगा कि यू हैव बीन रिसीविंग अवार्ड सिंस वेरी लॉन्ग एंड कभी कभार ऐसा हुआ है कि सिमिलर ब्रांड ने आपको अवार्ड एक साल दिया उसी ब्रांड ने आपको दूसरे साल भी अवार्ड दिया तो बेस्ट मेल मॉडल शहजाद नूर जी अगले साल हुई बेस्ट मॉडल मेल मॉडल शहजाद नूर तो कभी फेलो uh, नॉमिनी से आपको इस तरह की बातें दूसरे डिज़ाइनर्स के थ्रू या इस तरह सुनने को मिली हैं शहजाद ने या या दिस वाज वॉर्डर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें चीज़ सुनने को मिलती है द वॉड वाज रिग्ड या सेटिंग होगी दोस्तियाँ होंगी अपने पसंद के बंदे को जिता दिया ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कभी आपके अच्छा होता है मतलब जब आप एक ही इंडस्ट्री में जब काम कर रहे होते हो तो फिर आपको खैर डायरेक्टली मुझे किसी ने नहीं कहा लेकिन एक दूसरे से सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर किसी ने कहना होता तो मुझे डायरेक्टली कह देता खैर उन बातों का मैं क्या जवाब दूँ जो मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा अच्छा शहजाद आपने इतने सारे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट किया है एंड यू हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट फैशन डिज़ाइनर्स एज वेल पर्सनली अगर बात करें तो आपका ख़ुद का फेवरेट फैशन डिजाइनर कौन है मेरे फेवरेट फैशन डिज़ाइनर की अगर आप बात करें तो आई वुड से फराज मनान जबरदस्त मैंने काम भी किया उनके साथ काफ़ी टाइम छः सात साल आठ साल अभी भी फैशन शूट्स वगैरह होते हैं उनके साथ या शोज़ वगैरह में मैं अक्सर चला जाता हूँ दुबई वग़ैरह में तो आई थिंक इज़ द बेस्ट अच्छा शहजाद हमने फराज मनान जब शूट कर रहे होते हैं हमने देखा है कोई एक अलग ही वाइब होती है एंड वी हैव सीन के Uh, जिस तरह आप उनको पसंद करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हो गए या बॉलीवुड एक्टर्स हो गए वो भी उनको उसी तरीके से पसंद करते हैं जिस तरह कोई भी पाकिस्तानी जो है उनको पसंद करते हैं सो इज़ दैट व्हाट इज़ दैट वन रीजन या टू रीजन दैट यू हैव के अक्रॉस के ये रीज़न है इसके ऐसे फराज ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि बॉर्डर के दूसरी तरफ भी बहुत फेमस है ये चीज़ अगर आप उनके कपड़ों को देखें तो आपको उसका जवाब बड़ा इजीली मिल जाएगा कोई भी सेलिब्रिटी या तो मॉडल ये नहीं चाहेगा कि यार मैं किसी ऐसे डिज़ाइनर के कपड़े पहनूं। बहुत ही फेमस ही क्यों ना हो अगर True. वो उस कपड़ों में कम्फर्टेबल फील ना कर रहा हो और अच्छा ना लग रहा हो तो हुँ. वो कपड़े कभी ना पहने खास तौर पे जब आपने कहा कि मतलब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके इंडिया के कपड़े पहन रहे होते हैं तो वो खुद को अच्छा फ़ील कर रहे होंगे तभी तो पहन रहे हो पहन रहे होते हैं वरना वो क्यों इस तरह की चीज़ करेंगे मतलब किसी ऐसे डिज़ाइनर के कपड़े पहने जो जिसमें वो कम्फर्टेबल फ़ील ना करें वो अच्छे लग रहे होंगे ये वजह है कि वो पहनते हैं शहजाद बीन वर्किंग विद इंटरनेशनल मॉडल्स एंड मॉडल्स फ्रॉम पाकिस्तान एज़ वेल तो करंटली अगर बात करें तो शहजाद का फेवरेट मेल मॉडल करंट लॉट में से कौन है एंड फीमेल मॉडल ऑफ कोर्स देखा जाए तो दो तीन हैं मतलब ख़ुशहाल ने जब वो मॉडलिंग शुरू की थी आ, सचल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आ, इसके अलावा भी एक दो हैं शायद जहन में नाम नहीं आ रहे लेकिन ये बहुत अच्छा अगर आप जहन पे जोर डालें तो एक नाम और अगर आप बताना चाहें व्यूअर्स को जिसको क्योंकि पीपल वांट वांट्स टू नो कि शहजाद नूर हु हु रियली लुक्स अप टू एंड दैट इज शहजाद नूर वो तो है ही है वो तो है ना लेकिन शहजाद नूर जो है वो किसको देखते हैं अच्छा चलें फीमेल मॉडल्स के नाम करंट लॉट फीमेल मॉडल्स में बहुत है मुश्किलीम बहुत अच्छा काम कर रही है निमरत जेकब बहुत अच्छा काम कर रही है और के अलावा भी काफ़ी फीमेल मॉडल्स हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ अच्छा, अच्छा, अच्छा काम कर शहजाद जब आपने करियर स्टार्ट किया मॉडलिंग का उस वक्त कौन से ऐसे लेजेंडरी मेल ही सीखाऊँगा ऑफ कोर्स जिनको आप आइडियलाइज करते थे कि वाह इसकी या इनकी वॉक जो है बहुत ज़बरदस्त है या दीज गाइज आर समेयर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जब मैं शुरू में आया तो मुझे स, आ, सब कहते थे कि यार इमाद इरफानी तो फिर मैंने उनको देखना शुरू किया मैंने कहा यार इन्होंने कितना काम किया है क्या काम किया है तो आई थिंक इरफानी मेरे फेवरेट मॉडल हैं और एक नायल भी थे वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अब्दुल्ला एजाज वग़ैरह ये सब को मैं देखता था मोहम्मद भी थे तो इन सब को मैं देखता था क्योंकि मैं नया आया था ये काफ़ी पुराने हो चुके थे इनको काम कर रहे थे ये ऑलरेडी अच्छा शहजाद आ... इसी अगर फीमेल मॉडल में जो है ना फौजी अमान थी वो अभी भी काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर शहजाद जब मॉडलिंग की बात हैं सो हु यू एक्चुअली विजुलाइज़ विद यू कि इसका अगर पेयरअप मेरे साथ होगा सो डेफिनेटली दिस अ बिग हिट या ये ऐसी कैंपिंग होगी जो कि लोगों को याद रहेगी जिससे क्या अच्छा अच्छा मैंने कभी इस तरह तो नहीं सोचा लेकिन आ, मुझे हमेशा से शौक़ था आ, सुनीता मार्शल के साथ शूट करने का जब मैं शुरू में आया था उसकी वजह भी है कि उसकी वजह यह है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया भी नहीं था तो कहीं एक जगह पर ऑडिशंस वगैरह हो रहे थे जो कि मैंने शुरू में बात की कि मेरे एक दोस्त को बहुत शौक़ था तो मैं जब उनके साथ गया तो सुनीता मार्शल जो है ना वहाँ पर जज थी एज अ जज तो वो वहाँ पर सेलेक्ट कर रही थी कि यार ही इज़ गुड ही इज़ बैड इसके उसको आगे जाना चाहिए इसको तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे एक दिन इनके साथ शूट करना है And आपने किया और मैंने फिर किया मतलब आ, देखा जाए तो मैं उस वक्त तो इस फील्ड में ही नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि मैंने इनके साथ शूट करना है आपने स्टोरी शेयर की सुनीता मार्शल के साथ अब शायद वो एक दफ़ा हम लोग फ्लाइट में थे तो मैंने उनको बताया था कि आपको नौने जज क्या आपने उनको जज करते हुए देखा था यस एग्जैक्टली शहजाद जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हेल्दी डाइटोर्स ऑफ द की फैक्टर एक मॉडल के लिए बहुत ज़रूरी है वर्कआउट uh, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सो व्हाट्स योर वर्कआउट डेज या कौन से ऐसे डाइट फॉलो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि ये सिर्फ मॉडलिंग के लिए नहीं है एक आम नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑब्वियसली मतलब आपकी एक डाइट होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना क्योंकि बाजा हमारे यहाँ लोग जंक फूड बहुत food. खाते हैं बहुत जंक खाते हैं तो बिल्कुल फूड इज़ अ मेडिसिन आप जो इनटेक कर रहे हैं वही बीमारी बन रही है वही शिफा बन रहा है तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा जहन में रखना होगा कि यार मैं खा क्या रहा हूँ और उससे क्या असर होगा तो मॉडलिंग फील्ड से हट के जो नॉर्मल लोग भी हैं ना वो मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनको क्या खाना चाहिए और मेरी डाइट रूटीन डाइट पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ इस वजह से कि यार मुझे पता है कि मैंने क्या खाना है कितने बजे खाना है किस वक्त खाना है और किस वक्त नहीं खाना तो ये चीज़ें बहुत जाद मॉडलिंग ज़्यादा मुश्किल है क्या एक्टिंग बेसिक क्वेश्चन अच्छा मॉडलिंग फॉर मी नाउ इज कप ऑफ टी क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए और एक्टिंग जब मैंने शुरू की तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा क्योंकि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो शुरू में आपको मुश्किल लगता है लेकिन उसके बाद आई एम यूज टू इट जबकि आई हैव सीन यू मॉडलिंग जब आप कर रहे होते हैं मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि मॉडलिंग सब थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है बिकॉज आई हैव सीन यू के आप एक दिन में इतने आउटफिट्स कर रहे होते हैं उसके लिए भी एक विल पावर चाहिए एनर्जी चाहिए स्टेमना चाहिए हाँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मॉडलिंग इज़ साइलेंट एक्टिंग वो इस वजह से कि आपने अपने एक्सप्रेशन के थ्रू लोगों को बताना होता है कि मतलब मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ सपोज़ के एक शूट में आ, मैंने प्रॉपर सूट पहना हुआ है और नीचे उन्होंने मुझे पहना दिए चप्पल उन्होंने कहा कि यार आपका जो है ना वो शूज़ आ नहीं रहे तो मैंने कहा शूज़ पहनना ज़रूरी है उस शूज़ का ताल्लुक मेरे फेस के साथ है जब आप शूज़ पहनेंगे तो उस फेस पे आ जाता है न सर तो ये लोगों को समझ नहीं आती थी लेकिन आप, आप पहने भी चप्पल और एक्सप्रेशन आपने शूज़ वाले देने हैंजैक्टली और सर्दियों में आपने गर्मियों का शूट करना है और गर्मियों में आपने सर्दियों का शूट करना तो फिर वही एक्सप्रेशन देने हैं गर्मियों में आपने सर्दियों के और सर्दियों में आपने गर्मियों के अच्छा शहजाद अगर हम एक प्राइम एग्ज़ाम्पल लें एक मॉडल टर्निंग इनटू एक्टर तो वो हमारे सामने अर्जुन रामपाल की आती है फ्रॉम बॉलीवुड लेकिन हमने देखा कि उनको भी अपने आप को एक्सेप्ट करवाने में बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी बहुत ही मुश्किल का सामना पर, करना पड़ा एंड आज तक अगर कोई बहुत स्टिफ या बहुत मैनली एक्सप्रेशन दे रहा होता है तो उसको लोग अर्जुन रामपाल बोलते हैं कि जी इनके गुस्से के एक्सप्रेशन भी सेम है ये हंसते भी सेम हैं ये बाकी सारी चीज़ें भी सेम करते हैं सो डू थिंक इज इट विद मॉडलिंग और सो सॉफ़र देखें ऐसा होता है ये तब तक होता है जब तक आप किसी प्रोजेक्ट में हिट ना हो जाए काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मॉडलिंग जो बहुत सारे मॉडल्स हैं वो भी एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो तब तक आ, इमाद इरफानी काफ़ी टाइम से एक्टिंग कर रहा था लेकिन जब तक उसका ड्रामा हिट नहीं हुआ था तब तक लोग उसको नहीं जानते क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री है उसको एक लिमिटेड लोग जानते हैं और जब आप वेरी ट्रू और well जब आप टी वी पर आते हैं तो फिर आपको मासेस जानने लगती है और मेरे ख़्याल से हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल से फाइव परसेंट भी नहीं होगी पूरे पाकिस्तान में और जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री है उसको सब लोग फॉलो करते हैं घरों में आ रहे होते हैं वो ड्रामे इसलिए हमें फेमस होना अच्छा इसी इसी चीज़ को आ, अगर हम कंसिडर करें तो हमने देखा कि डिजिटल मीडिया फॉलोइंग भी जो एक्टर्स की होती है वो ज़्यादा होती है कम्पेटिवली अगर हम मॉडल्स की देखें नो मैटर हाउ बिग शूट्स दे आर डूइंग या जितने ही बड़े ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वजह सिंपल है ना कि देखें वो लोगों के घरों में आ रहे होते हैं वो आपके टीवी ऑन करें और सामने उनका ड्रामा लगा हुआ है और आप उनको सर्च करें कि यार ये मॉडल ये जो है ना वो एक्टर है और ये जो है ना एक्ट्रेस है तो वो आप इजीली लोगों के घरों में आ रहे होते हैं पता चल रहा होता है कि कौन क्या कर रहा होता है तो फिर आपको पता है जगह जगह देखी जाती है टू टू द एंड एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि आप जब मॉडलिंग कर रहे थे और अभी भी कर रहे होते हैं तो आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम होता है डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं एक्टिंग में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली आपको कि थोड़ा सा दिल किया तो कुछ मैंने खा लिया अच्छा पता है क्या उजैन मैंने कभी भी डाइट नहीं की मेरा हमेशा से एक लाइफ है जो कि मैं फॉलो करता हूँ चाहे वो मैं एक्टिंग में हूँ चाहे मैं वो मॉडलिंग में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर इंसान को पता होना चाहिए कि यार उसको किस वक्त क्या खाना है किस वक्त नहीं खाना तो ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है ना कि मॉडल के लिए ना कि एक्टर के लिए अच्छा शजाद लास्ट क्वेश्चन टू यू अगर कोई इस फील्ड में आ रहा है फॉर शोर यंगस्टर्स आ रहे हैं तो डू यू थिंक कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडलिंग एंड एक्टिंग इज़ नेसेसरी या अगर वो एक्टिंग के लिए आ रहा है तो उसे सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए और एक्टिंग ही आनी चाहिए या अगर वो मॉडलिंग की तरफ भी ध्यान दे दे तो दैट्स फाइन इट्स इट्स गोइंग टू हेल्प एनी वे नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने मॉडलिंग करनी है तो बाई नॉट वो मॉडलिंग करें और एक्टिंग uh, में आना है तो फिर उसके लिए uh, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मॉडलिंग uh, में फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन uh, नहीं उसमें आपको फिर uh, और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जैसे कि आपकी उर्दू जो कि मेरी बिल्कुल क्लियर नहीं थी शुरू uh, में। जैसे कि तलफ़ तलफ़ जिसे आप कहते हैं जो कि मेरी नहीं थी शुरू में तो मैं कोशिश ये करता था कि मैं उर्दू बुक्स पढ़ता था कि यार मेरा जो तलफ़ है वो बेहतर हो और किसी ऐसे दोस्तों के साथ होता था कि जो मेरी उर्दू की मिस्टेक निकाल सके और मुझे बता सकें ये इस तरह नहीं, ये इस वो तो तरह नहीं। है, है वो तो मैंने देखा है आपके अक्सर दोस्त जो हैं वो काफी जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से भी उनका ताल्लुक है कुछ ऐसे भी दोस्त हैं आपके तो इज़ इट बिकॉज आपने सिर्फ मेरे नहीं आपके भी दोस्त हैं नहीं वो ठीक है लेकिन आपको लगता है कि आपकी दोस्ती इस वजह से ज्यादा चल रही है कि एक तरीके से वो आपके मेंटोर और कोच भी चल रहे हैं साथ साथ या वो आपकी उर्दू का ऐसा है ना कि वो मेरे एक्टिंग में आने से पहले ही वो मेरे दोस्त है और जब मैं एक्टिंग में आया तो हाँ ये बात सच है कि उन्होंने हेल्प आउट किया वो मुझे बताते थे कि मतलब क्योंकि उनका तो काम ही है ना? Exactly. तो उर्दू बोलना एक नफीस उर्दू बोलना क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूज़ एंकर होते हैं न्यूज़ रीडर होते हैं तो वो उनकी तो उर्दू अच्छी होनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया काफ़ी टाइम बाद ये एक सेगमेंट हुआ हमारे और हमारे दरम्यान और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड इसके साथ ही जो हमारी ऑडियंस है अगर आप लोग कोई सवाल शहजाद से करना चाहें जो मैंने शायद मिस आउट कर दिया हो टाइम लिमिटेशन की वजह से तो आप जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप नीचे क्वेश्चन ज़रूर छोड़ सकते हैं शहजाद के लिए तो आई लास्क शहजाद ये है कि मतलब मैं एक वाद इंसान आपको जानता हूँ जो मैं इतना शायद लाहौर नहीं जाता हूँ जितना आप कराची टू अमेरिका अमेरिका टू कराची ये क्या चक्कर है देखें मतलब बहुत बिजी काम है कुछ कोशिश कर रहे होते हैं अब अगर लोगों को आपको पता चल जाए कि जितने शूट आप पंजाब में कर रहे होते हैं और पंजाब से कराची कराची से इस्लामाबाद आप कोई मेरा खाली कोई पैलेस आपने नहीं छोड़ा है पाकिस्तान का जधर आपने शूट ना किया हो कोई ब्रांड आई गेस कोई पीछे नहीं हटा है जिसके आपने रिप्रजेंट ना किया हो तो जिस तरह आप मेहनत कर रहे होते हैं आप ही को फॉलो कर रहे हैं शिजाद कोशिश कर रहे हैं आपको फॉलो करने की यार ऐसी मेहनत तो अल्लाह सबसे करवाए thank you so much Azad. and iskhasati jamari audience we will see you in another exciting episode of sapiens experience till then take care